विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को विधान परिषद की सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। अब चूंकि उस सीट पर किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि 21 जनवरी को सहनी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम मुकेश सहनी की राजनीतिक संभावनाओं पर नहीं बल्कि उनके आर्थिक लेखे जोखे की चर्चा करने वाले हैं। हालांकि मुकेश सहनी की संपत्ति पर कई दफे बात हो चुकी है। जब सहनी मंत्री चुने गए थे तब भी सहनी का नाम उन मंत्रियों में शामिल था जो सबसे अमीर हैं। अब जब सहनी ने विधान परिषद की सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है तो वापस से उनकी संपत्ति के ब्यौरे पर हम नजर डाल रहे हैं। मुकेश सहनी के पास कुल 1,23,09,312 रुपए की चल संपत्ति है, वहीं 9,60,00,000 की अचल संपत्ति। चल संपत्ति में से 4,00,000 के गहने और 5,00,000 का वाहन भी शामिल है। वहीं मुकेश सहनी की पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी के पास 23,38,237 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 14,50,000 के आभूषण हैं। सहनी की पत्नी के पास 1,25,00,000 की अचल संपत्ति है। मुकेश सहनी पर 1,19,72,148 रुपए और उनकी पत्नी के नाम 15,66,546 रुपए की दान देरी भी है। सहनी की मुंबई में भी 3 संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 7,00,00,000 से ज्यादा की है। सहनी और उनकी पत्नी के पास एक एक फ्लैट भी है। मुकेश सहनी ने साल 2013 में राजनीति में एंट्री की थी। इससे पहले वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेट डिजाइनर थे। साल 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी VIP का गठन किया। 2020 के विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने महागठबंधन से एग्जिट लेकर NDA में एंट्री ली थी। सहनी ने सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ा था पर हार गए, जिसके बाद BJP ने उन्हें विधान परिषद की सीट दी। लेकिन यहाँ भी मुकेश सहनी ने आपत्ति जताई। असल में जो सीट BJP ने सहनी को ऑफर की है उसका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में सहनी इस सीट की बजाय 6 साल के कार्यकाल की सीट तलाश रहे थे, पर सहनी को दूसरा ऑफर नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह के मनाने के बाद सहनी इस ऑफर के लिए तैयार हो गए और सोमवार को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और अब उनका निर्विरोध रूप से चुना जाना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।